इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए हमको। हमको भी अब लग रहा है कि थोड़ा हम भी NIS के लिए कुछ कर रहे हैं। पीड़ित से तो दिन रात जान ही रहे हैं, क्या बीत रहे हैं हम लोगों पे। कोई कोई बहन का नहीं ऐसा कमेंट आ रहा है कि मतलब हम सबके साथ प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं ना कर सकते कि अपने आप को ही खत्म कर डालें। ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, कुछ भी गलत कदम उठाने का फैसला नहीं रखिए। एक दिन ना एक दिन हम लोग का विजय होगा, एकदम होगा। सही है, हम लोग कोई गलत नहीं है। चोर डकैती इतना ही करके ले आए हुए हैं, डिग्री खरीद नहीं लिए हुए हैं कि नहीं वैलिड होगा। होगा, हिम्मत रखिए, लेकिन बस गलत कदम नहीं उठाइए। मोदी जी, इतना दिन हो गया जजमेंट आया हुआ, आप कहाँ सोए हुए हैं? अभी तक आपके कान में आवाज नहीं गई है कि हम लोग की तरफ इतना दिन रात बढ़ते जा रहा है, उम्मीद जो है घटते जा रहा है। क्या बीत रही है आज हम लोगों को, कभी आपको पता भी चला है? पता चलेगा भी कैसे? अपने पास अब बच्चा रहता तब ना दूसरे को बच्चा का समझते हाल, वो तो है नहीं। इतना दिन जजमेंट का हो गया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। अगर आपसे अगर कभी भी मेरा वीडियो देखिएगा तो हम कहिएगा तो पैर भी आ करके हम टीचर लोग पकड़ लेंगे आपका। लेकिन जो आप ये किए हैं ना, एक शिक्षित वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी का खेल खेले हैं ना, कभी भी आपको माफी नहीं मिलेगी। उस धरती से हम बोल रहे हैं जो चाणक्य जो है घनानंद, वो कैसे हटाया था गद्दी से, वही शिक्षक ही था एक। तो आज जो शिक्षक को धोखा दिए है ना, तो एक दिन ऐसा भुगतिएगा ना, ये भी दिन याद रखिएगा कि हाँ हम NIS करवा के शिक्षक के साथ धोखा किए हैं। गरीब और जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं उसके साथ तो धोखा कर ही रहे हैं अनाज बांट करके। ऐसा सिचुएशन है आपके, मतलब फ्री में अनाज बांट रहे हैं ताकि हमको वोट मिले। यानी इस काबिल बनाइए ना कि आपको फ्री में अनाज नहीं देना पड़े, या भीख नहीं मांगने जाए आपके सामने कि हाँ हमको दीजिए अनाज।